सकते हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्न हम करना चाहेंगे। हेलो सर, कुमुद जी, आई वुड लाइक टू से कि आप मूवी से ज्यादा यंग एक्चुअली में लग रहे हैं। आई वुड लाइक टू आस्क यू सर दैट व्हाट डू यू फील कि ओटीटी पे यू सर्टिफिकेशन और ए सर्टिफिकेशन के आना चाहिए, कि अगर आता है तो क्या आप लोगों की जो क्रिएटिव लिबर्टी है वो कम हो जाएगी, या यू फील कि मतलब जिस आराम से सारा कंटेंट हर एज ग्रुप के लिए अवेलेबल है दैट्स एक्चुअली शुड बी अवेलेबल। मुझे लगता है कि जिस तरह से अगर ओटीटी पे चीज़ें दिखाई जाती हैं, हम उसको बहुत सहज तरीके से भी दिखा सकते हैं बिना उसको करप्ट किए हुए, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, आप बहुत सारी पुरानी फिल्में देख लो, उसमें रोमांस जिस तरह से दिखाया जाता है उसमें नंगपना नहीं है, राइट? तो और हमारे पिताजी, दादाजी और सब लोग ने बैठ के साथ फिल्म देखते थे, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल एक बहुत ही सहज तरीके से उसको दिखाया जा सकता है, वो तो एक क्रिएटिविटी वाली बात है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर भी ना बहुत इसका सही जवाब मेरे पास है नहीं शायद, कि बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं कि उनको वही चीज़ दिखाएंगे तो उनकी क्रिएटिविटी और उनकी कहानी को न्याय मिलेगा शायद, और वो गलत नहीं है। तो ये बड़ी मतलब ये व्यक्तिगत है, मेरे लिए तो मैं चाहता तो किस भी करवा देता इस फिल्म में कि बिल्कुल, तो वैसा भी कर सकते थे। इसमें मैं जो मेरे निर्देशक और मित्र हैं इनसे मेरी राय थोड़ी अलग है। मेरा मानना है कि मैं किसी भी तरह की सेंसरशिप के ख़िलाफ़ हूँ। मुझे लगता है कि हमको समाज पे भरोसा रखना चाहिए, हमको इंडिविजुअल्स पे भरोसा रखना चाहिए। हम उनको वोट देने का अधिकार देते हैं तो उनको समझ का भी अधिकार देना चाहिए कि उनके पास समझ है, और हमारे पास कानून है, हमारे पास नियम है। कोई भी व्यक्ति अगर अराजक होता है तो उसके लिए कानून है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम बांधना शुरू करते हैं व्यक्ति को तो उसकी कोई सीमा नहीं है ना, है ना? तो हालांकि व्यक्तिगत जो मेरा चुनाव है वो अलग हो सकता है मैं वो सब ना करना चाहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी तरह की सेंसरशिप जो है ना वो इंडिविजुअल्स डिसाइड करते हैं ना, व्यक्ति डिसाइड करता है। और व्यक्ति कब सही होगा, कौन व्यक्ति होगा जो तय करेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना? तो वो मुझे लगता है। लेकिन हाँ, जो अवनीश भाई ने कहा है वो बिल्कुल करेक्ट है कि एक तरह की जो हर व्यक्ति जो एक व्यक्ति है जो एक चीज़ को एक तरह से देखता है, दूसरा व्यक्ति उसी को दूसरे तरह से देखता है, तो मुझे लगता है वो आज़ादी तो होनी चाहिए। और आजकल तो सेंसरशिप तो इतना इरेलीवेंट हो गया है बिकॉज सबके हाथ में मोबाइल है, बच्चों के हाथ में है। आप क्या, वो अलग ज़माना गया कि एक टीवी होता था कि पूरा परिवार बैठ के टीवी देखता था, अब इसी ये जो हमारा परिवार यहाँ बैठा हुआ है यहीं पे हम बैठ के देख लें कि आखिरी बार कब पूरे परिवार ने बैठ के पूरी फिल्म एक साथ घर में देखी थी। बड़ा मुश्किल है ना, सब लोग अपने अपने एक ही कमरे में बैठ के अपने अपने मोबाइल में बैठे हुए हैं, बच्चा लैपटॉप में है, माँ मोबाइल में है, बाप मोबाइल में, खाना खा ले बस उतनी बात होती है। और अगर असल में लोगों से अगर साक्षात्कार करना होता है तो उसके लिए हमको थिएटर देखना पड़ता है। थिएटर में जा करके असल में जिंदा लोग आपको बात करते हुए दिखते हैं, कुछ समय में वो इसीलिए उतना रेलेवेंट होता जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सर, मेरा सवाल आपसे है, जैसे अभी आपने बोला था कि अगर हम अच्छे हैं तो सफल नहीं है और सफल हैं तो अच्छे हैं, तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, क्योंकि मैं भी एक क्रिएशन फील्ड से हूँ, तो बड़ा टेंशन सा होता है कि अच्छा चीज बनाए या सफल होने वाली चीज बनाए, तो वो मेरा मतलब उसके बीच में हम लोग एक सामंजस्य नहीं बिठा पाते, तो क्या एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए? कि वो सामंजस्य तो कभी नहीं बैठेगा। अब वो मतलब एक्सप्लोर करने वाली बात है कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट तो शायद आ सकता है कि आप सफल हो जाएं, ऐसा नहीं है, बट कम होता है।
लेकिन अगर सतत प्रयास हम कर रहे हैं तो आप वो रास्ता चुन लीजिए कि पहले सफल हो लेते हैं फिर अच्छा करेंगे। तो ये भी एक है कि मुझे जैसे बहुत बार ऐसा लगा कि मैं बहुत अगर कोई ऐसी आर्ट वाली चीज़ें बना दी और लोग नहीं पसंद किए उबासी मारने लगे तो मुझे लगता है कि नहीं यार अभी अब की बार मसाला वाले कुछ बनाएंगे तो लोग पसंद करेंगे अच्छा तो फिर पैसे वैसे कमा लेंगे तो फिर अच्छी भी बना लेंगे। तो बेसिकली ट्राई एंड हाँ वही है। मेरे ख्याल से सर हमारे यहाँ भारत में जो आपने भी बात कही और मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ कि मध्यम वर्गीय खास तौर पे परिवारों के लिए पेट भरना प्राथमिकता होती है, इसीलिए पहली प्राथमिकता वो होती है, उसके बाद शौक पूरे करो और उसमें ज़िंदगी निकल जाती है अक्सर। तो शौक पूरे करना कहीं ना कहीं किस्मत भी है कि आप जिस जुनून से जिस चीज़ के लिए रगे हुए हैं अगर आपको मिल भी गई वो और आप उसमें खुशी महसूस कर रहे हैं तो वो कुछ परसेंट किस्मत भी है कि आपको उधर ले जाती है, आपकी जिद तो है ही पर उसके अलावा। हेलो सर, मेरा नाम यश गेंदर है और मैं पिछले 2 साल से थिएटर कर रहा हूँ। इन दिनों मैंने बहुत सारी मूवीज देखी अलग अलग जॉनर की और अलग अलग टाइम पीरियड की, और उस टाइम में और आज के टाइम में डायरेक्शन वाइज, फिल्म वाइज, स्क्रिप्ट वाइज बहुत डिफरेंस दिखता है। तो मैं ये सवाल है मेरा कि क्या सिनेमा का दौर जो है वो वापस से रिपीट होके आ रहा है, और अगर आ रहा है तो एज अ थिएटर आर्टिस्ट अगर मैं कैमरे के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे क्या ऐसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो माइंड में हमेशा रखनी चाहिए? आप जो काम करना चाहते हैं आप अपनी कहानी अपनी यात्रा कीजिए, दौर कौन सा आया है कौन सा जाएगा ये आप तय करेंगे अपने लिए, है ना? तो आप अपनी कहानियाँ चुनिए, अपनी यात्रा चुनिए, अपना सच चुनिए, और वो सच बदलेगा, वो एक नहीं रहेगा। आज का सच कल रोमांस में बदल जाएगा और कल का दूसरा सच होगा। सो फॉलो योर ड्रीम, फॉलो योर जर्नी, दैट्स इट। दो छोटी छोटी बातें बतानी है। नंबर एक, जो कास्टिंग हुई है आप इस वाली फिल्म में, दोनों जो बच्चे छोटे थे उनके फेस, उनका स्टाइल बोलने का, वो जब बड़े हो जाते हैं वो काफ़ी मैच होता है, तो ये बच्चों को कैसे चुना आप लोगों ने? मुझे लगता है मैंने बहुत सारे ऑडिशन किए थे इसके लिए और बहुत सारे मतलब अपने थिएटर के जितने भी मित्र लोग हैं उनके बच्चे, बहुत सारी खुजाई डुढ़ाई की, और उसके बाद ये जो अरुणिम जिसने प्ले किया और काजल, वो लोग मुझे मिले खोजने के बाद। तो कई राउंड ऑडिशन लिया मैंने इसके बाद। तो ऐसा मतलब केवल फेस होता है या पूरी एक्शंस भी हो जाती है उसमें, करवा लेते हैं? नहीं, फेस भी होता है, अभिनय भी होता है, दोनों चीजें हैं। सर मेरा मेन सवाल ये है कि आजकल जो है बहुत जगह पे जब भी फिल्म बनती है, कुछ बनता है, तो एक दो लोगों को ही जो है सारा क्रेडिट देके एप्रिसिएशन देके छोड़ दिया जाता है, लेकिन बहुत बार हम अपने लाइफ का एक हिस्सा दे देते हैं एज अ डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, और कई बार वो रिकॉग्निशन या वो एटलीस्ट एप्रिसिएशन नहीं मिलता, चाहे चलो लोग ना दे लेकिन अपने ही लोग जो है कभी कभार वो कहते तो है हाँ ठीक है चल हो गया खत्म, तो वो एप्रिसिएशन जब नहीं मिलता तो खालीपन होता है। और आप तो इतने साल से है और आपने इतने सारे किरदार किए हैं और आप छोटे छोटे किरदार में से उठ के आए हैं और अब जाके बहुत बड़े लेवल पर आपको रिकॉग्निशन मिला है, तो थ्रू दैट इयर्स वो अनरिकॉग्निशन जो मिलता नहीं मिलता हमें और जो खालीपन होता है अंदर, उसको किस तरह से ओवरकम करते हैं हम? ये दोनों से सवाल है कि एज एन एक्टर और एज एन डायरेक्टर दोनों। मेरी अगर व्यक्तिगत बात ली जाए तो दो चीजें हैं। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा जो क्रेडिट अगर सिनेमा का जाना चाहिए, बहुत बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए, वो राइटर्स को जाना चाहिए जो नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से किसी भी फिल्म की रीड होती है उसकी स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, और हम सबसे कम क्रेडिट उनको देते हैं, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। होपफुली ये सलीम जावेद साहब ने एक समय में जो किया था राइटर्स के लिए वो फिर से कहीं गायब हो गया है। अब मेरे ख्याल से वो हमको एज ए इंडस्ट्री हमको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, टेक्नीशियंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक
मेरा सवाल है कि मुझे वो रिकग्निशन का क्या है, तो इससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, पर मेरे लिए मेरी यात्रा इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं उस रिकग्निशन के उस पे जाऊंगा तो बहुत तकलीफ है महाराज, बहुत तकलीफ है, हर हर काम में तकलीफ है आपको। हर मुझे इस बात में कतई दिलचस्पी नहीं है कि मुझे किसी ने क्रेडिट दिया या नहीं दिया। मैं जो काम कर रहा हूँ, अगर मैं वो काम बेहतर कर पा रहा हूँ तो वो जो रिकग्निशन है उसका बाई प्रोडक्ट है, वो आएगा, है ना। तो मैं काम करते जाता हूँ, बाकी सराहने के लिए आप लोग हैं, और अगर काम अच्छा नहीं होता तो वो भी बताने के लिए आप लोग हैं, और उस दोनों के लिए हमें तैयार रहना है। या देखो, मुझे तो लगता है कि आप अच्छा काम करते जाइए और अच्छे की तलाश में रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा, अगर आपके अंदर है, जैसे आज दादा से बात हो रही थी तो दादा मुझे खुद बोले थे कि अगर आपके अंदर वांट है ना, करना की चाह है और अच्छा करने की चाह है, तो वो फिर आप फिर कोई भी बाधा, कोई भी स्ट्रगल वो मायने नहीं रखता है, मुझे लगता है। वो आप अगर लगातार लगें और आप चाह रहे हैं कि हमको करना है, करना अच्छा करना है, पहली बात तो अच्छे की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे की समझ नहीं है तो वो भी बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब तो अच्छा क्या है और ख़राब क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। तो और अच्छा और ख़राब जो है वो आपको अच्छा पढ़ने और सुनने देखने से पता चलेगा, तो वो फ़र्क भी आना चाहिए। तो आप अगर अच्छा कर रहे हैं और चाहते हैं तो करते रहिए, मतलब वो मिलेगा आपको। ऐसा है नहीं कि नहीं मिलेगा, देर आए दुरुस्त आए, भगवान के अगर देर है अंधेर नहीं है, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल सही बात। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जो आपने स्टार्टिंग की कि जब जो हॉकर्स आता है, पेपर जब करता है वो एक आवाज निकाल के स्टार्टिंग करता है, तो व्हाट इज द सीन बिहाइंड इट, मतलब आपने क्या सोचा था कि उसको केवल सिर्फ स्टार्टिंग में रखा, फिर बाद में कोई सीन था नहीं इस हॉकर का, तो कुछ सोचा और कुछ थीम था आपके माइंड में ऐसा सोच के? आपको क्या लगा कि वो क्या था? वो आई थिंक उसके पीछे लॉजिक ये था कि उस पर्टिकुलर वे से वो जो था लास्ट में पेपर सर के हाथ में आए और उन्होंने जब ने रिकैप किया उस चीज को, तो दैट इज द मेन मोटो ऑफ थिंग। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो रद्दी जहाँ से निकली, अगर आपने शॉट देखा होगा तो वो कॉपी तो आ रही थी, तो वो बेसिकली वही कॉपी थी जो दुकान पे मिली, शॉप पे। किसी लास्ट में जो आपने जो लास्ट था अपना, तो उसमें क्लाइमेक्स में आपने सर लास्ट में एंड ऑफ द जाते हैं, तो अगर चाहते तो थोड़ा सा ये भी हो सकता था ना, क्योंकि बिकॉज आई एम ऑल्सो क्रिएटिव पर्सन, सो दैट आई एम जस्ट आस्किंग टू यू कि जो मैम थे, जो उनके वो थे लवर या समथिंग एल्स, तो उनके लास्ट में पेपर शायद वहाँ गिर जाते, ड्रॉप ऑन डाउन होते, उनके हाथ में आता, तो दैट इज मे बी गुड क्लाइमेक्स। इस पे कितनी चर्चा हुई है, कितनी बहसें हुई हैं, और ये बहस आज तक चल रही है। जो कोई भी सिनेमा जो एक तरह की चर्चा पैदा करता है वो बहुत कमाल का सिनेमा होता है। तो मेरे ख्याल से ये इनका वो है, मैजिक है, ये अवनीश जी का मैजिक है। आपने जो अव्वल नाम दिया है मूवी का, तो आप ये मूवी क्वालिफिकेशन या स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग बना सकते थे, बट आपने इसमें लव का पार्ट दिया है, वो क्या सोचकर आपके दिमाग में आया ये पार्ट? देखिए कैसा है ये, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। बेसिकली क्या है कि वो अगर कम नंबर उसके आए थे और उसको कॉपी मिल, अगर उसको मिली और उसको लगा कि यार ये तो नंबर छूट गए थे, तो वो तो फिर स्कूल जा सकता था और कहता मेरी तो लाइफ ख़राब हो गई, आपने तो मतलब किया। तो हम उस तरफ नहीं गए, मेरे दिमाग में ये आया था कि हम फिर से बैक टू स्कूल चले जाएं, हम उस तरफ नहीं गए। मेरे जहन में आया कि अगर किसी लड़की से उसके अंदर ऐसा शर्त लगी हो शायद, जिससे उसको जाके वो प्रूफ करे, बताए कि देखो, क्योंकि ये बहुत इमोशनल चीज़ है, तो वो प्रूफ करे कि देखो हम अव्वल थे और हमारी ज़िंदगी पूरी शायद बदली या नहीं बदलती, जो भी था, बट हुआ तो है, मैं अव्वल तो आया था, अब बताओ। ये बड़ा मासूम, किसी भी चीज का क्लोजर बहुत जरूरी होता है, किसी भी इमोशन का क्लोजर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस फिल्म
का जो कमाल का है कि वो क्लोजर है, चाहे वो क्लास में अव्वल आने का हो, चाहे वो क्रश हो जो एक समय में था उसका क्लोजर, तो ये फिल्म एक तरह से वो एक आदमी को देती। जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते थे, फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे, तो हमको अपनी क्लासमेट से इश्क हुआ था, हमने कभी बात भी नहीं की थी, हमने कभी हेलो भी नहीं कहा था, हम उस स्कूल में सिर्फ 5 महीने रहे थे और वो हमें अच्छी लगती थी। और वो जो यात्रा उन और उसके बाद में मैं दूसरे स्कूल में चला गया, मिलिट्री स्कूल पे चला गया, पर वो जो जर्नी थी उनके साथ, उस इमोशन के साथ, वो जर्नी ग्रेजुएशन तक रही। तो वो क्लोजर नहीं हुआ कभी, वो जर्नी आपकी कहीं कहीं सबकॉन्शियस में वो जर्नी आपके साथ है। तो ये अद्भुत है जीवन। तो ये फिल्म इसीलिए कमाल की है कि जब भी कोई व्यक्ति देखता है तो वो अपने से रिलेट करता है किसी न किसी लेवल पे। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से